हाय, दिस इज मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा डेरिवेशन ऑफ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। इससे पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है जूल थॉमसन एक्सपेंशन क्या होता है और उसको मैंने डिटेल्ड वे में बता के रखा है विथ ग्राफ। उसमें इन्वर्सन टेम्परेचर, इन्वर्सन कर्व, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके रखा है। मैं उसका नीचे लिंक दे देता हूँ, उसे भी आप जा करके देखें, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसमें मैं सिर्फ डेरिवेशन बताऊंगा। तो मैंने पिछले में भी बता रखा है कि जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है उसको हम लोग म्यू जे से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू जे या म्यू जे टी, ठीक है। जूल थॉमसन जे है, जूल के लिए रिप्रेजेंटेशन है, जो कि होता है पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ठीक है। ये स्लोप होता है, एक मैंने बता रखा है टेम्परेचर और प्रेशर का कर्व, ठीक है, उसका स्लोप होता है। ये उस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर होगा, आप इस चीज को देख सकते हैं। तो हमें इसमें रिलेशन डिराइव करना है, हमारे पास इक्वेशन होता है, हमें पता है डी एच इज इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी। ये प्रॉपर्टी रिलेशन है हमारे पास, ठीक है, ये सबको पता होता है, ये रिलेशन हमें याद रहता है, डी एच इजिकल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी। अब ये हो गया पहली चीज, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसके नेक्स्ट स्टेप में हमें टी डी एस इक्वेशन लिखना है और टी डी एस इक्वेशन सबको होता है पता है कि अगर आप टी डी एस इक्वेशन अगर आपने रीड करके रखा है तो आपको क्या होता है, टी डी एस इक्वेशन सी पी डी टी माइनस टी ऑफ डेल वी वाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डी पी। ये होता है टी डी एस रिलेशन, ठीक है। दो टी डी एस रिलेशन होता है, इसमें से मैंने इस वाले टी डी एस रिलेशन को यूज किया है और इधर जो है डी एच वैसे ही रहेगा और प्लस वी डी पी ये वैसे ही रहेगा, बस मैंने यहाँ पे टी डी एस रिलेशन को लिखा है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम क्या है, यहाँ पे आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। आइसेंथैल्पिक मतलब यहाँ पे इंथैल्पिक कांस्टेंट है, जो जूल थॉमसन एक्सपेंशन होता है वो आइसेंथैल्पिक होता है। तो इंथैल्पिक कांस्टेंट मतलब उसका चेंज जो होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा ये जीरो, ठीक है। और मैं यहाँ क्या करूंगा, सी पी डी टी को बाहर निकाल देता हूँ, सी पी डी टी को, और यहां से डी पी और डी पी कॉमन लेते हैं, डी पी, तो क्या आ जाएगा, डी पी और डी पी कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा भी और यहाँ बचा माइनस ऑफ टी डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है, म्यूजे, म्यूजे क्या है, डेल्टी बाय डेल पी, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टी बाय डेल पी हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से इसे इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी पी डी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी पी वी माइनस टी डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। कुछ नहीं किया मैंने, बस इसे इधर लिखा या फिर इसे इस साइड भेज दिया है, इस टोटल टर्म्स को। तो यहां से हम लिख सकते हैं डी टी वाई डी पी इक्वल्स टू माइनस डी टी बाई डी पी, डी पी को नीचे ला रहा हूँ, माइनस वही रहेगा, सी पी को नीचे भेज दूंगा, वन अपॉन सी पी, ब्रैकेट वाली चीज को मैं वैसे ही रखता हूँ, डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये जो रिलेशन है डी टी बाई डी पी, अगर उसे हम लोग कॉन्स्टेंट एंथैल्पी पे कर रहे हैं तो इसे हम लोग पार्शियल में लिख देते हैं डेल्टी, ठीक है। और यहाँ हम लोग कर देंगे एच, यहाँ किया ना कॉन्स्टेंट एंथैल्पी तो यहीं पे लिख देना चाहिए था, बट मैं यहाँ कर दे रहा हूँ डेल्टी बाई डेल्पी। और ये चीज है क्या, ये तो है म्यूजे, ये जो डेल्टी बाई डेल्पी वही तो म्यूजे है। तो ये जो रिलेशन है वही है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, दिस इज जूल थॉमसन कोएफिशिएंट म्यूजे, और उसका जो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, माइनस वन अपॉन सी पी वी माइनस टी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये तो रिलेशन हो गया आपको। अब मैं इसमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर आपको बोले कि वट इज द म्यूजे फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए आपको अगर बोलता है म्यूजे क्या होगा, तो आइडियल गैस का हमें इक्वेशन पता होता है, क्या होता है, पी वी इक्वल्स टू आर टी, एन आर टी या फिर पी वी इक्वल्स टू आर टी अगर मोल वन ले लिए तो यहां से हम लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है,
पीवी का स्टार्टिंग यहाँ मैं लिख सकता हूँ, हमें उसका म्यूजे निकालना है। म्यूजे निकालना है मतलब यहाँ वन अपॉन सी पी वी, इस चीज़ को हम अगर कैलकुलेट कर लेते हैं इस इक्वेशन से, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो निकल जाएगा आइडियल गैस का। तो मैं लिख सकते हैं वी इक्वल्स टू आर टी बाई पी, लिख सकते हैं क्या इसे? तो हमें डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर निकालना है, मतलब प्रेशर को कॉन्स्टेंट एज्यूम करके हमें इसे डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर को कॉन्स्टेंट, तो डेल वी इक्वल्स टू आर डेल टी बाई पी, प्रेशर कॉन्स्टेंट, आर तो कॉन्स्टेंट था ही, हमें प्रेशर कॉन्स्टेंट रखते हुए डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लिख सकते हैं डेल वी बाय डेल टी इधर लाए इक्वल्स टू आर बाई पी, एट वॉट, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी वी इक्वल्स टू आर डी टी और प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा। अब इस चीज को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये चीज जो आया उसको यहाँ डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, म्यू जे इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन सी पी रहेगा, वी माइनस टी तो वैसे ही रहेगा टी, डेल वी बाय डेल टी एट पी, डेल वी बाय डेल टी एट पी इज आर अपॉन पी, ठीक है, आर अपॉन पी। अब ये ध्यान से देखिए क्या है, आर टी बाय पी, आर टी बाय पी भेजेंगे तो वी आ जाएगा, यहां से देखेंगे हम लोग आर टी बाय पी तो आ जाएगा ये वी, ठीक है। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं वी, तो ये टोटल चीज जो हो गया वी हो गया, तो वी माइनस वी हो गया टोटल चीज जीरो, वी माइनस वी इज जीरो, तो यहां से आ गया म्यू जे इज जीरो। आइडियल गैस के लिए जो जूल थॉमसन कोफिशियंट होता है वो जीरो होता है, मतलब अगर जूल थॉमसन कोफिशियंट जीरो हो गया मतलब उसे हम लोग थ्रॉटल नहीं कर सकते। अलग अलग गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशियंट अलग अलग होता है, आइडियल गैस के लिए जीरो हो गया मतलब उसमें हम लोग थ्रॉटल करके उसमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। हमें अगर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो जो जूल थॉमसन कोफिशियंट है वो हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब हम लोग एक आइडियल गैस का टेम्परेचर जूल थॉमसन एक्सपेंशन से या फिर जूल केल्विन एक्सपेंशन से हम लोग उसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं कर सकते। वो इसलिए हो सकता है, हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो आइडियल गैस होता है उसका जो एंथैल्पी है इज प्रोपोर्शनल टू इस टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और हमें पता है कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन जो होता है वो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, मतलब उसमें एंथैल्पी कॉन्स्टेंट रहता है। इसका मतलब ये क्या है, एंथैल्पी जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और जो टेम्परेचर है सॉरी जो एंथैल्पी है वो कॉन्स्टेंट रह रहा है, मतलब टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट रहना पड़ेगा। तो यहाँ साफ दिखता है कि अगर आइडियल गैस है तो अगर उसमें आइसेंथैल्पिक प्रोसेस हो रहा है तो वो उसे आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस भी होना पड़ेगा, आइसेंट्रॉपिक नहीं सॉरी आइसोथर्मल भी होना पड़ेगा। मतलब अगर एच कॉन्स्टेंट है तो उसे टी भी कॉन्स्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि एच कॉन्स्टेंट ही तो है जूल थॉमसन एक्सपेंशन, जूल थॉमसन एक्सपेंशन मतलब इंथैल्पी कॉन्स्टेंट। तो अगर इंथैल्पी कॉन्स्टेंट हो गया तो टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट ही रहना पड़ेगा, ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं या फिर इससे भी हम लोग रह सकते हैं। तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मतलब उसे हम उसका टेम्परेचर हम लोग घटा नहीं सकते, ठीक है। तो इतना ही, कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसका पिछले वाला वीडियो जरूर देखिए, उसका नीचे लिंक दे दिया हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।